पे ध्यान कैसे हो आप लोग? हेल्दी तो बहुत है। हाथ खड़ा करो। सेवन पे कौन कौन है? हमें कलर्स तो कुछ सालों में फेड हो जाएंगे। बारिश गिरेगी, स्नो गिरेगी, धूप आएगी, मिट्टी पोल्यूशन सब होगा। कलर कुछ सालों में रेडी बोल दिया। आगे वाले ये अपन चलो 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 जल्दी। बीच वाला नहीं खा रहे, बीच वाला नीचे ना खा रहे, बीच अब नहीं कर मेरा नाम रूबल नागी है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और सोशल वर्कर एक्टिविस्ट हूँ। और आज हम यहाँ पे हंडवारा में हैं। यहाँ पे बच्चों के स्कूल में आर्ट कैंप कर रहे हैं, जिसमें एट्थ ऑनवर्ड्स स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमने कुछ हफ्ते पहले भी पटन में और कश्मीर के अलग अलग एरियाज़ में वर्कशॉप्स की थी, यंगस्टर्स की वर्कशॉप्स, लेडीज़ की वर्कशॉप, महिलाओं की, और बच्चों के आर्ट कैंप किए थे। हमारा मेन एम, हमारी जो फाउंडेशन है रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन, इसका इनिशिएटिव है मिसाल इंडिया। जो कश्मीर में है तो हम उसे मिसाल कश्मीर कहेंगे। और हमारा मेन एम इस इनिशिएटिव का ये है कि हम लोगों के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें और आर्ट के माध्यम से उनकी सोच बदलें। जब मैं कहती हूँ सोच बदलें, तो उसका मतलब ये है कि हम उनको थोड़ा सा और एक्सपोजर देना चाहते हैं और उनसे जुड़ के उनको बताना चाहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, युवाओं को काम करना क्यों ज़रूरी है, महिलाओं को सेल्फ रिलायंट होना क्यों ज़रूरी है। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे हमारा फोकस रहता है। आर्ट के माध्यम से हम एजुकेशन से जुड़ते हैं, क्वालिटी एजुकेशन में हम बिलीव करते हैं। इसलिए हमारी जो बालवाड़ी यहाँ हम खोलेंगे, उसमें हम बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे। और हमारे स्किल सेंटर्स जो हैं वो हमारे युवाओं को और हमारी लड़कियों को कश्मीर की सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ ले जाएंगी, जो हम स्किल सेंटर्स में उनको सिखाना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम उनको स्वच्छता, हाइजीन, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी अलग अलग वर्कशॉप्स करके गाइड करते रहेंगे। हमारा मेन एम कश्मीर में यही है।